कल दिनांक 21/5/24 को साइबर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं सदर थाना अंतर्गत डुमरैल कादिर चौक के पास जो है वहाँ पे अवैध रूप से लोगों का श्रम कार्ड बनवाते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उसके बाद जो अवैध निकासी करते हैं उनके नाम पे। इस घटना के सत्यापन हेतु जो है और सदर थाना की टीम साइबर थाना की टीम के साथ जो है घटनास्थल पे पहुँची। वहाँ पे पहुँचने पे जो है वहाँ पे जो जगह बताई गई थी वो घर डुमरेल कादिर चौक के पास जो है मोहम्मद नौसाद का घर था, जिसमें ये अवैध रूप से जो है वहाँ पे ये सारे काम होते थे। वहाँ पे जैसे ही हम लोग की टीम पहुँचती है तो कुछ लोग जो है वहाँ से भागे, उसमें से दो लोग को पकड़ लिया गया, जिसमें जो घर का जो मालिक नौसाद है वो पकड़ा गया वहाँ से। उसके साथ साथ उसका एक मित्र जो है वो पुनीत कुमार, जो कि ये जो यहाँ बैजनाथपुर का रहने वाला है, ये दोनों पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम लोग वहाँ पे उससे पूछताछ की तो उनके पास से बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं, बहुत सारे उसमें डेबिट कार्ड मिले हैं, आधार कार्ड मिला है, बैंक का पासबुक मिला है, नगद राशि भी बरामद हुई है, बहुत सारे श्रम कार्ड मिले हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र मिले हैं, जिनके बारे में उनके पास कोई ब्यौरा नहीं था। गहराई से पता करने पे ये पता चला है कि ये लोग जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं कि श्रम विभाग की जो योजना है, जिसमें कोई जो श्रम BOCW में जो पंजीकृत हैं वो व्यक्ति अगर मृत हो जाते हैं तो उनके उनके जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की श्रम योजना के तहत मिलता है। ये लोग जो है उसी राशि को जो है गलत फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और उसके साथ साथ नॉमिनी को चेंज करके जो है अवैध रूप से राशि निकासी का काम करते थे। इसमें बाकी लोग जो भागे हुए हैं उनके लिए उनका नाम पता सत्यापन कर जो है गिरफ्तारी हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस टीम में मुख्य रूप से जो शामिल थे वो दीपक चंद्रदास और पूनम कुमारी जो साइबर थाना से, इसके अलावा सदर थाना से खुशबू कुमारी थी और उसके साथ साथ जो सशस्त्र बल शामिल थे, उसके साथ साथ DIU की टीम का भी बड़ा योगदान रहा था इस घटना में।